हेलो फ्रेंड्स, आरके ज्ञान निम कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पार्ट सिक्स तक जो है हम वीडियो जैसे 5.1 का हम बना चुके हैं। आज हम पार्ट सेवन का वीडियो जैसे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, जिसमें आठवां क्वेश्चन तक उसमें पार्ट सिक्स तक जो है मतलब सॉल्व किया गया है, और पार्ट सेवन में जो है मतलब क्वेश्चन नंबर यानी कि चौथा के नवासी को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दिया है आपका है, इसमें पहले अनुक्रम का पद दिया गया कि 3, 1, 3, 9, 27, ठीक ना। देखिए इसको पहले भी क्वेश्चन समझ लिया जाए, वह है कि निम्नलिखित में कौन कौन पद एपी में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कौन पद जैसे क्या है एपी में है, यदि कोई पद एपी में है तो इसका सार्वभौमांतर ज्ञात करें और अगले तीन पद निकाले। मतलब ढेर सारा इसमें रोमन अंक में दिया था, तो बोल रहा है कि कौन पद जो है मतलब एपी में है, और जो अगर एपी में है तो उसको क्या निकालना है, सार्वभौमांतर फिर उसको भी लिख देना है, ठीक ना, और अगला तीन पद और निकाल देना है। जैसे यहाँ चौथा पद तक है तो फिर पांचवा छठा सातवां निकालेंगे, कब, जब एपी में होगा तब। तो एपी इसको तब बोलेंगे कि जस्ट अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, फिर अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, फिर अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, और सभी का अंतर जो है एक दूसरे का अंतर जैसे मतलब समान आ जाएगा यानी कि बराबर आ जाएगा, तब ये दिया गया अनुक्रम के पद क्या भी इसको बोल देंगे एपी में है, ठीक है। जब एपी में हो जाएगा तो फिर इसको अगला तीन पद आसानी से निकाल देंगे। चलिए आइए देखें इसको सॉल्व करते हैं। लिखेगा प्रथम पद ए बराबर आपका कितना दिया है, 1 दिया है, सार्वांतर है, तो सार्वांतर जो है डी बराबर आपका, देखिए सार्वांतर तो क्या करते हैं, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो पहला पद के हम T1 से, दूसरा पद को T2 से, तीसरा पद को T4 से, चौथा पद को T4 से, इसको T3 से, देखिएगा T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा 3 माइनस T1 1 हो जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2 बचेगा। उसी प्रकार से आगे निकालेंगे कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद T3 माइनस T2, तो D बराबर तीसरा पद कितना है 9 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 6, डी बराबर चौथा पद माइनस पांचवा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, T4 माइनस T3, तो डी बराबर चौथा पद कितना है 27 माइनस तीसरा पद कितना है 9, घटाएंगे तो कितना 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, अब एक की एक यहाँ 18 जाएगा। यहाँ पास देखने के लिए आपको कंडीशन मिल रहा है क्या कि डी का कि यानी कि डी का मान जैसे हमको समान नहीं है, यहाँ देखिए इसका अंतर क्या है 2 है, इसका कितना है 6, इसका कितना है 18, इसलिए डी का मान समान नहीं है, इसको हम बोल देंगे कि दिया गया अनुक्रम का पद जो है यह क्या है एपी में नहीं है। इसके लिखेगा कि अतः डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह पर एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आगे निकालते हैं, दस देखा जाए, दस में दिया क्या ए 2A, फिर दिया है 3A, फिर दिया 4A, इसको भी देख लीजिए। इसमें दिया क्या कि पहला पद यह है, दूसरा पद 2A है, तीसरा पद 3A है, चौथा पद क्या 4A है, इसके हम ये लिखे हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से पीछे वाला को हम हल कर रहे हैं। इसमें हो जाएगा प्रथम पद A बराबर
प्रथम पद आपका क्या है, ए है, ए है, ऐसे भी आपका ए भी इसमें दिया है, ए वन नहीं है, कॉमा है। फिर लिखेगा सार अंतर, यानी कि डी बराबर क्या मान लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो टी टू माइनस टी वन, तो डी बराबर टी टू कितना है टू ए माइनस टी वन, पहला पद कितना है ए है, तो टू ए में से ए घटेगा, मतलब ए के मतलब क्या कि हाँ वन ए है, वन ए है, तो टू ए में से वन ए घटेगा तो क्या बचेगा ए बचेगा। उसी प्रकार से आगे निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो टी थ्री माइनस टी टू, तो डी बराबर तीसरा पद हो जाएगा थ्री ए माइनस टी टू क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा, तो डी बराबर तीसरा पद आपका हो जाएगा, देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा यानी कि थ्री ए में से टू ए घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पास ए बचेगा। उसी प्रकार से आगे निकाल लीजिए इसको, चौथा पद माइनस तीसरा पद, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, चार में से तीन ए घटेगा तो क्या बचेगा ए बचेगा। अब यहाँ पास आपको देखने के लिए कंडीशन मिल रहा है क्या कि डी का मान जो है क्या है समान है, और जब डी का मान समान है तो इसको बोल देंगे कि दिया गया अनुक्रम का पद क्या में है एपी में है, और जब एपी में है इसको अगले तीन पद और निकाल देना है। देखिएगा चूंकि डी का मान समान है तो डी बराबर क्या हो जाएगा ए है सबका। अब चार तक तो हमको मालूम है, पांच छह सात निकालना है, तो पांचवा पद टी फाइव बराबर ए प्लस फोर डी, टी फाइव ए बराबर क्या आपका दिया है ए बराबर आपका ए दिया है प्लस फोर, और डी बराबर में क्या है ए है, तो टी फाइव बराबर ए है तो लिख देंगे प्लस, देखिए शॉर्ट में लिखे हैं चार से गुणा करेंगे तो चार ए और ए के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पांच ए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से आगे निकालिए छठा पद का, तो ए प्लस फाइव डी होगा तो टी सिक्स बराबर ए, ए बराबर क्या है ए है प्लस फाइव इंटू डी, डी बराबर क्या है ए है, तो टी सिक्स, तो पांच से गुणा करेंगे में तो पांच ए और वन ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा छ ए हो जाएगा। उसी प्रकार से निकालेंगे सातवां पद का, तो ए प्लस सिक्स डी, तो टी सेवन बराबर ए बराबर क्या है ए है प्लस सिक्स इंटू डी बराबर ए जोड़ देंगे छ से गुणा करेंगे तो छ ए और ए कितना जाएगा सात ए, यहाँ लिखेगा अतः एपी में है और डी बराबर ए। पांचवा पद यानी कि अगला तीन पद बोल रहा था, अगला तीन पद, अगला तीन पद क्या है देखिए यहाँ इसे होगा ना स्टार्टिंग ना, तो फाइव ए और टी सिक्स, छठा पद कितना हो जाएगा दिया है सिक्स ए, और सातवां पद आपका आ गया कितना सात ही होगा आंसर आ, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आगे देखा जाए, ग्यारह है दिया है कि ए ए के पावर टू मैंने स्क्वायर, ए के पावर थ्री, ए के पावर फोर, डॉट 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 बोला कि ए भी एपी में है कि नहीं, क्योंकि ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एपी में है ये ना है। चलिए इसको हल कर दिया जाए, तो पहले सोल्व प्रथम पद ए, ए बराबर क्या हो जाएगा ए, सार्वंतर डी, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, शॉर्टकट बना रहे हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर इसको खुद हल की जगह आगे चल के थोड़ा एक स्टेप बढ़ाइएगा तो क्या इसमें कॉमन आएगा ए इंटू ए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे निकालेंगे टीना कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ए थ्री माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी एक स्टेप बढ़ाइएगा आगे तो क्या हो जाएगा
एस पर इसमें कॉमन कह रहे कि इसमें ए के पावर क्यू है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें जब ए स्क्वायर जब हम कॉमन कर लेंगे तो फिक्स है कि इसमें तीन में से दो को बाहर निकल जाएगा तो एक को बचेगा, ए को बचेगा ये, यानी कि देखिए कि ए माइनस और जब ए स्क्वायर जब बाहर निकाल दिए तो क्या है पास बच गया कुछ नहीं तो वन ए। उसी प्रकार से आगे निकाल लेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद ए के पावर फोर माइनस ए के पावर क्यू। चलिए यहाँ देखेंगे इसको तोड़ दे रहे हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं ए के पावर क्यू गुने ए माइनस ए के पावर क्यू गुने वन, ऐसे भी इसको तोड़ के लिख सकते हैं, घट कॉमन भी ले सकते हैं तो डी बराबर। देखिए ए क्यू दोनों ओर में सब कॉमन है तो कर रहे हैं कि ए के पावर क्यू कॉमन कर रही है ए माइनस वन देगा। यहाँ पास देखने के लिए कंडीशन मिल रहा है क्या कि डी डी का मान जो है सबको क्या है समान नहीं है, और जब डी के मान हमको समान नहीं है इस कंडीशन में इसको बोल देंगे यह जो सेफ्टी में नहीं है, ठीक ना। लिखेगा अतः डी का मान समान नहीं है, ठीक ना, डी का मान क्या है समान नहीं है, इसलिए यह पद एपी में नहीं है, ठीक हो गया आंसर। चलिए उसी प्रकार से आगे और देखा जाए,